Sambodhi Retreat, a world-class resort. Food, swim, stay, enjoy. Experience your dreams at Sambodhi Retreat, Bodh Gaya and Dhanbad. SC/ST संशोधन एक्ट के खिलाफ सवर्णों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस एक्ट में संशोधन को लेकर सवर्णों में मोदी सरकार के खिलाफ उबाल साफ देखने को मिल रहा है। करणी सेना की अगुवाई में कल यानी गुरुवार को सवर्ण समाज ने भारत बंद बुलाया है। सवर्णों के इस बंद के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बंद समर्थकों का कहना है कि SC/ST एक्ट के सवर्ण समाज पर झूठे मुकदमे दर्ज कर जुल्म किए जाते हैं। इस बंद का खासा असर बिहार झारखंड में भी देखने को मिलेगा। एहतियातन कई स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। यहाँ भी बंद में निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी पर धर्म और जाति की राजनीति का आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने अब खुद ब्राह्मण कार्ड खेला है। हरियाणा में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ब्राह्मण सम्मेलन में हिस्सा लिया। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके खून में ब्राह्मणों का DNA है। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की भी बात कही। सुरजेवाला ने ब्राह्मण समाज का वोट मांगते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह ब्राह्मणों को आरक्षण देगी। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में दरोगा भर्ती के परिणाम घोषित करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार राज्य पुलिस आयोग से जवाब तलब किया गया है। फिलहाल दरोगा भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी। जानकारी के अनुसार जस्टिस शिवाजी पांडे ने दरोगा भर्ती के परिणाम घोषित करने के मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन नतीजे अभी जारी नहीं किए जाएंगे। महिलाओं की गंदी तस्वीर देखने की चाहत में नीतीश कुमार के एक चहेते ने अपने फेसबुक अकाउंट से न्यूड तस्वीर शेयर कर दी। मामला सहरसा जिले के सोनबरसा राज विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक रत्नेश सदा से जुड़ा है। आरोप है कि नेताजी ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक महिला की अश्लील तस्वीर शेयर की। मामले की शिकायत बनगांव पुलिस तक पहुंच चुकी है और अब जांच की बात कही जा रही है। हो सकता है कि अपने रसूख की वजह से विधायक जी पर कोई कार्यवाही ना हो, लेकिन अपनी नीच हरकत की वजह से नीतीश के ये विधायक जनता की नज़र में नंगा तो हो ही चुके हैं। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बिहार के बाद अब दिल्ली की राजनीति में अपना दम दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि RJD का छात्र संगठन JNU में 14 सितंबर को होने वाले चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगा। यह प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए होगा और फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक RJD से जयंत कुमार ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन भी भर दिया है। तेजस्वी सियासत में लगातार अपना वर्चस्व बनाने में लगे हुए हैं। लालू प्रसाद के बेहतर इलाज के लिए रिम्स में एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से सलाह मांगी है। इसके लिए रिम्स में लालू प्रसाद के मेडिकल जांच रिपोर्ट को एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट भेजा है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद के इको रिपोर्ट में पुरानी समस्या फिर दिखी है, जिसके बाद रिम्स प्रशासन ने यह कदम उठाया है। रिम्स की कोशिश है कि एशियन हार्ट से मिलने वाली जानकारी और मदद के तहत लालू का इलाज किया जा सके। बता दें कि लालू प्रसाद का इलाज एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट मुंबई में ही हुआ था। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के डिप्टी CM सुशील मोदी ने आज बड़ा ऐलान किया। मोदी ने भरोसा दिलाया कि निजी स्कूल के फीस को बिहार सरकार नियंत्रित करेगी। निजी स्कूल के फीस को रेगुलेट करने का प्रस्ताव जल्द ही विधानसभा में लाया जाएगा, जिसके बाद कानून बनाकर निजी स्कूलों की मनमानी खत्म की जाएगी। समारोह को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इस साल इंटर पास सभी अविवाहित लड़कियों को 10,000 और स्नातक पास लड़कियों को 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देगी, जिसके जरिए वह अपना भविष्य सुरक्षित कर सकेंगे। राफेल डील विवाद का मुद्दा पिछले कुछ समय से भारतीय राजनीति में छाया हुआ है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस डील को एक बड़ा घोटाला बताकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रही है। अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मसले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर सकता है। कांग्रेस के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसके जरिए राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाया गया है। अब इस याचिका पर कोर्ट का क्या रुख होगा या तो अगली सुनवाई पर ही पता चलेगा। बिहार में नीतीश के कुशासन का ही असर है कि अब कुछ मुनाफाखोर आपकी सेहत पर सीधा हमला कर रहे हैं। मामला मिलावटखोरी से जुड़ा है। शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम पुलिस के साथ पटना के दानापुर बाजार में छापेमारी के लिए पहुंची तो लोगों के होश उड़ गए। दरअसल इस इलाके में पिछले लंबे समय से नकली तेल का खेल चल रहा था। आरोप है कि मुनाफाखोर केमिकल की मदद से नकली रिफाइंड तेल बनाते थे और फिर उस पर बड़ी नामी गिरामी कंपनियों का लेबल लगाकर बाजार में बेच दिया करते थे। दावा है कि यह सारा खेल शासन प्रशासन के मिली भगत के बिना संभव हो ही नहीं सकता। 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली सुधाकरण रेड्डी के गुमला में छिपे होने की सूचना है। सुधाकरण के साथ कई बड़े नक्सली भी इलाके में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि बुरा पहाड़ से सरंडा जाने के दौरान नक्सलियों ने गुमला में शरण ली है। खुफिया विभाग से इनपुट मिलते ही स्थानीय पुलिस और CRPF की टीम गुमला के जंगलों में छापेमारी कर रही है।
सुरक्षा बल नक्सलियों की तलाश के लिए ड्रोन की भी मदद ले रहे हैं। खास रणनीति के तहत पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सुधाकरन की तलाश तेज कर दी गई है। मैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर जिला लखीसराय सहित भारतवासियों के जनप्रतिनिधि, शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बिहार के सुपौल में सुरसर नहर का बांध टूटने से दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। घटना जरिया थाना क्षेत्र के नंदन पंचायत की है। यहाँ नहर का बांध टूटते ही एकाएक घरों में पानी भरने लगा। अफरा तफरी में ग्रामीण घरों को छोड़कर चले गए या फिर घरों के भीतर ही ऊंची जगहों पर ठिकाना बना लिया। 24 घंटे बीतने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं ली गई, जिस कारण लोगों में सरकार और प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश है। पटना में बढ़ते अपराध के बाद अब पुलिस की नींद टूटी और कार्रवाई के नाम पर कुछ वर्दीधारी सड़क पर गाड़ियों की जांच में जुट गए हैं। पुलिस का दावा इस जांच अभियान के जरिए अपराधी को दबोच लेने का है, लेकिन सच तो यह है कि पुलिस की सरकारी कवायद बस आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती है, जबकि अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देते हैं और फिर भाग निकलते हैं। गया के कोतवाली इलाके में मंगलवार की रात हुई महिला की हत्या की गुत्थी अब तक पुलिस नहीं सुलझा सकी है। बता दें कि बाइक पर सवार दो अपराधियों ने स्कूटी सवार लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद अपराधी आसानी से फरार हो गए थे। बताया जाता है कि जब राधा कुमारी अपनी दुकान बंद कर घर जा रही थी, तभी बदमाशों ने उसे निशाना बनाया। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। सरराहो इस हत्या की वजह से लोगों में काफी आक्रोश है। कटिहार में लगातार माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के अभिकर्ताओं को टारगेट बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का कटिहार पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी में लूट के 24,000 रुपये और बाइक समेत कई चीजें बरामद की हैं। छापेमारी के दौरान ही पुलिस ने मौके से चार लुटेरों को भी धर दबोचा, जो इलाके में लगातार हो रही वारदातों में शामिल रहे हैं। पकड़े गए अपराधियों ने पूछताछ में कई वारदातों में अपने शामिल होने की बात कबूल की है। निगरानी की टीम ने मनरेगा के घूसखोर पीओ राजीव रंजन को 2,57,000 घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम ने सहरसा के सोनबरसा में पदस्थापित पीओ राजीव रंजन को पशुशेड योजना बनाने के नाम पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। वो शहर के कायस टोला में सोनबरसा राज्य के पीओ हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद निगरानी टीम ने उनके घर की भी तलाशी ली। घर से 1,93,000 रुपये भी बरामद किए गए। देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमत में उछाल को लेकर आज मोतिहारी में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का पुतला फूंका। लोगों ने बिहार में गिरते कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार पर भी हल्ला बोला और मुर्दाबाद के नारे लगाए। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने नदी में कूदकर जान दे दी है। मामला पटना के संपतचक इलाके का है। बताया जा रहा है कि महिला को उसके ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित करते थे, जिसके कारण उसने पुनपुन नदी में छलांग लगा दी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान जारी है। देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर देश का पहला मंदिर होगा जहां चढ़ावे के रूप में आया स्वर्ण आभूषण भारतीय रिजर्व बैंक में जमा होगा। अब तक दान के रूप में जितना सोना आया है और मंदिर के कोषागार में रखा गया है, उसे जल्द ही RBI में जमा करा दिया जाएगा। मंदिर प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गया है। साहिबगंज के मदनसाही गांव में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाके में एक मगरमच्छ घुस आया। गांव के लोगों ने तो पहले उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब नाकाम रहे तो सूचना वन विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम गांव में पहुंची और मगरमच्छ को पकड़कर अपने साथ ले गई। हाय, मैं हूं संभावना सेठ। सही और सटीक न्यूज देखने के लिए देखते रहे रिपोर्टर्स 11। बस एक बटन दबाए और जीते ढेरों इनाम। मोबाइल, घड़ियां, चांदी के सिक्के और ढेरों इनाम। बस रिपोर्टर्स 11 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए और बन जाए विजेता। अब आप भी बने रिपोर्टर और भेजें अपनी खबरें सिर्फ रिपोर्टर्स 11 पर। सच दिखाने की ताकत रखते हैं हम। अगर आपके अंदर है कुछ करने का दम तो हमसे जुड़े।